हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। हाय, माय नेम इज रोहितिटी टू हंड्रेड से पॉइंट जिद से जीत तक हाई बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आएगा हो सकता है कि इसके ऊपर डायरेक्टली एक सवाल आ जाए कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है कि पूरा इसके ऊपर ही सवाल सवाल आ जाए या फिर ये आपको एक हाइब्रिड के तौर पे देखने को मिल सकता है राइट right? न्यूज क्या है जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा इस टॉपिक के अंदर राइट right? न्यूज ये है कि अभी रिसेंटली हिमालयन जो हिमालयन वुल्फ है इट हैज बिन डिक्लेयर्ड एज वलरेबल इन दी लिस्ट

आपकी शुरू हुई का तो हो सकता है आपको आई यू सी एन के बारे में ना पता हो रेड लिस्ट के बारे में ना पता हो तो मेरी कोशिश यह भी रहेगी आपको कि अगर इस वीडियो में टाइम तो मैं आपको रेड लिस्ट के बारे में जो की है प्री पॉइंट से और जिनकी तैयारी को टाइम भी हो गया है सो यू ऑल्सो स्टिक आप भी वो एंड uh, तक हम कोशिश करेंगे कि आपको रेड लिस्ट जो है उसके बारे में कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जाएं जो हो सकता है आपने वैसे ना पढ़े हो और प्री में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं सो so क्या स्पीशीज का नाम क्या है इट इज द हिमालयन वुल्फ है ना ये उनका साइंटिफिक नेम है हालांकि 2016 के बाद से यूपीएससी ने साइंटिफिक नेम पूछने जो है थोड़े से कम कर दिए बंद ही कर दिए ऑलमोस्ट लेकिन यूपीएससी कभी भी उस ट्रेंड पे वापस जा सकते हैं एंड इनफैक्ट अगर आप स्टेट uh, वगैरह की प्रेपरेशन कर रहे हो स्टेट पीसीएस वगैरह की प्रेपरेशन कर रहे हो हिमाचल हरियाणा uh, या फॉर दैट मैटर पंजाब का पीसीएस भी आने वाला है उत्तराखंड राजस्थान इन सब स्टेट्स की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये भी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये पर्टिकुलर जो स्पीशीज है द हिमालयन वुल्फ ये एक वुल्फ की ही स्पीशीज को मतलब माना जाता है पर ये सेपरेट स्पीशीज नहीं है इट इज द वुल्फ ओनली बट जो हिमालय में पाया जाता है उसको हिमालयन वुल्फ कह देते हैं तो स्टडीज ये भी बोल रही हैं आगे कि इसको एक अलग से स्पीशीज भी जो है वो घोषित करना चाहिए एक अलग से स्पीशीज इसको डिक्लेअर करना चाहिए राइट ताकि इसकी प्रेजर्वेशन और बेटर हो हमें और इसकी इकोलॉजी समझ में आए राइट आइए बच्चे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें इंपॉर्टेंट है हमने वो क्लास के अंदर डिस्कस किया है डिटेल में में जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक क्या आएगा कहने का मतलब कि वट आर दी थ्रेट्स टू दी हैबिटेट वट आर दी थ्रेट्स टू दी हिमालयन वुल्फ कंजर्वेशन एफर्ट किस टाइप से की जा सकते हैं ना और वो कितने टाइप के होते हैं और इंडिया में और क्या क्या चल रहा है हिमालयन वुल्फ के लिए तो ये सब आपका जो है मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है अभी फिलहाल के लिए हम इस टॉपिक पे चलते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमालय बुल्फ क्या चीज है दिस इज द साइंटिफिक नेम आपको ये याद करना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है हाउ आपके स्टेट एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है यूपीएससी में इंडायरेक्टली पूछा जा सकता है मैं आज है कुछ इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हिमालयन बुल्फ है तो जहां जहां हिमालय है वहीं वहीं इसकी रेंज भी होगी तो इफ यू कैन सी

दे कैन रीच अप टू इतने लेंथ है ना अबाउट इतना टॉल एंड अबाउट इतना वेट राइट right? और उसके प्रे बेस का बता के वो पूछ लेंगे किस स्पीशीज की बात हो रही है राइट right? और यहां पे वो बियर लिख देगा साथ में यहाँ पे वो ये हिमालयन बुल्फ लिख देगा और दो स्पीशीज कुछ और लिख देगा तो आपको गैस करने को दिया जा सकता है है ना गैस मतलब गैस इज नॉट द राइट वर्ड फॉर अ यूपीएससी एस्पायरेंट पर आपको इसको पता करने को दिया जा सकता है आपको डिड्यूस करने को दिया जा सकता है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन किस स्पीशीज के बारे में, है. For example, इसके ऊपर एक सवाल आया था, uh, cotton के सवाल आया आया था, था के ऊपर कि एक क्रॉप है जिसको बताओ कौन सी क्रॉप है राइट right? है ना तो इस टाइप के सवाल यूपीएससी पूछता है तो इसलिए भी पर्टिकुलर चीज जो है वो इंपॉर्टेंट और इकोलॉजी के सारे टॉपिक्स जो है हमको बहुत सीरियसली लेने होते हैं सीरियसली उसके अंदर हमको जो है उसकी प्रेपरेशन करनी होती है इसमें पॉपुलेशन एस्टिमेट बच्चे इसका इतना है हालांकि ये आपके लिए किसी आ, किसी भी तरीके से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये दे देवल इन स्मॉल पैक्स हंट वाइल्ड शीप एंड इवन ऑन हेयर्स एंड बर्ड्स और बाय द वे इसी की वजह से इसकी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है बिकॉज क्योंकि ये इन एनिमल्स को प्रे करते हैं साथ में उन एनिमल्स को प्रे करते हैं जो कि वो जो गडे और ये सब जो लोग हैं जो अपनी भेड़ बकरियां चलाने जाते हैं तो उनको भी अटैक करते हैं राइट right? Hence, एक पब्लिक इसके अगेंस्ट है कि ऐसी स्पीशीज को क्यों बचाएं जो कि हमारा नुकसान करती है राइट तो ऐसे मौके करेगा कि अब बताओ क्या किया जाए, राइट? Hence, से है एनहेंस करता है आइए बच्चे आई के बारे में अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है राइट सो इट इज हेयर एस्टेब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी एट बच्चे जो रेड लिस्ट है इट वॉज स्टार्टेड इन 1964 फोर right? राइट तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्लस एक ऑब्जर्वर स्टेटस के बारे में एक और फैक्ट है नेक्स्ट इज दिस वन अगर कोई देखना चाहे तो आप यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस की रेड लिस्ट क्या चीज होती है थ्रेड एंड स्पीशीज की तीन कैटेगरीज हैं विच इज एंडेंजर्ड एंडल एंड एंडेंजर्ड वेबल एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड राइट एंड दैट इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024